Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the brain. But this time I won't collide like I did yesterday. तो हेलो गाइज अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो. मैं हूं आपका दीप. सो आज मैं जा रहा हूं भद्रक क्योंकि मेरा गाड़ी का सर्विसिंग करने वाला हूं. क्योंकि वो 6 महीने में मतलब सर्विसिंग नहीं हुआ था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था. उसके बाद मैं तो रेस्ट था. सो एक्सीडेंट के बाद मैं फर्स्ट टाइम 6 महीने के बाद आज जा रहा हूँ भद्रक. तो जा रहा हूँ तो सोच लिया कि एक दो वीडियो बना लाते हैं. तो अब यही जो मेरा ब्लॉग होगा ये पूरा मोटो ब्लॉगिंग ही होगा और पीएबी ब्लॉग होगा. तो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ हिंदी में ब्लॉग बनाने के लिए क्योंकि थोड़ा सोच रहा हूँ कि अब जो ब्लॉग आएगा थोड़ा हिंदी में करना पड़ेगा क्योंकि उड़िया में करता हूँ तो ब्लॉग इतना लोगों तक नहीं पहुँच रहा है क्योंकि मेरा दोस्त लोग कुछ भी हिंदी है और कुछ बंगाली भी हैं. तो सोच रहा हूँ मिक्सिंग करके बनाने के लिए हिंदी और उड़िया में. सो अभी मैं पहुँच गया हूँ प्रॉपर सोरो में. ये है सोरो का मेडिकल एंड ये है जो मॉल ऑफ सोरो. तो दो रास्ता है. एक है मार्केट से अंदर जाके जाना पड़ेगा जो एस एन हाई स्कूल से निकल के मारकुना तक पहुंच जाएगा और एक है अभी जो सोरो ओवर ब्रिज दे के एक रास्ता है. सो आज मैं सोच रहा हूँ कि सोरो पूरा मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ ना तो आज जाऊँगा पूरा मेन रोड में जहाँ पर कि मैं दिखा पाऊँ क्या क्या है क्या नहीं. सो आप वीडियो में बने रहिए. तो रेलवे ओवर ब्रिज है तो उसके बाद आगे उत्तरेश्वर. उत्तरेश्वर से हमको जाना पड़ेगा लेफ्ट में. सो लगभग 35 से 40 किलोमीटर है. पता नहीं कितना किलोमीटर है. हर एक घंटा लगेगा और रास्ता भी थोड़ा ख़राब है. ये रोड तो अभी बना हुआ है मतलब दोबारा से पीचू का एक लेयर चढ़ा गया है उसमें. रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया था. फाइनली मैं नेशनल हाईवे के ऊपर आ गया हूँ. ये है हमारा सोरो का पुलिस स्टेशन और सामने जो है ये है सोरो का तहसील ऑफिस. रास्ता का काम बहुत ज़ोर से चालू है इसलिए बहुत दिक्कत आ रहा है मतलब बाई रोड होके जाना पड़ रहा है कभी कभी. तो आज रास्ता बहुत खाली है सर. लग रहा था ज़्यादा भीड़ होगा. रास्ता बहुत ही खाली है क्या सर. मैं जल्दी निकल गया हूँ. देख रहे हो हालत पूरा मतलब ओवरटेक करने का मतलब मौका ही नहीं मिल रहा है पूरा. और देखो वो छपी लोग इसी रोड में विदाउट पूरा हेलमेट में जा रहे हैं पूरी फिर फोन में बात करके. आप भुवनेश्वर पे 2 घंटे में पहुंच जाओ. इतना मतलब अच्छा रोड बन गया है. थोड़ा बहुत आगे थोड़ा काम हो रहा है 2 ब्रिज का काम हो रहा है लेकिन वो उससे आगे जो रोड कहाँ पर भी काम नहीं हो रहा है. पूरा आप जाओगे पूरा मक्खन जैसे जाओगे पूरा. तो ये रहा कुछ भद्रक का नया बस स्टैंड जो भी काम चल रहा है रिनोवेशन हो रहा है और मैं लगभग पहुंच ही चुका हूँ. एक होटल है तो देख रहे हो ब्रिज का नज़ारा कितना मस्त दिख रहा है ब्रिज का नज़ारा. इस साइड है भद्रक का जो टाउन है इस साइड है. ब्लॉक बनाने के चक्कर में इतना ही बिजी हो गया मतलब मैं पानी पीने के लिए भूल गया हूँ. मतलब सोच रहा कहाँ पर प्यास लग रहा था लेकिन पानी पीने का याद नहीं है भूल गया मैं. चलो कोई बात नहीं वहाँ पर जाके पी लेंगे. ये भद्रक का सबसे पुराना मतलब ब्रिज है. ये दो था और दो साइड अभी नया बना है पूरा. अरे शायद बंद कर देगा रास्ता. बंद कर दिया तो मैं खोपट हो जाएगा. अरे यार जो रास्ता ही बंद कर दिया तो क्या करेंगे अभी. अरे पहले से रास्ता खुला था अभी रास्ता बंद ही कर दिया. ये मेरा डेस्टिनेशन है तो साली सुजिक क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे. तो मुझे नीचे जाके फिर रॉन्ग आना पड़ेगा या फिर घूम के यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा. क्या करूँ सर बाई रोड नहीं जाता क्योंकि एन एस रॉन्ग जाना बहुत ही खतरनाक हो जाएगा. बाउदपुर एंड ऑर्सवाड़ी
चंडीगढ़। अरे जाऊंगा कैसे बे, अरे भैंस की टांग। अबे जहाँ पे भी था मतलब बाई रोड से मतलब नीचे जाने के लिए था ना, सब जगह बंद कर दिया था। अरे यार इससे ऐसे में रंग चला जाता, पूरे बाप में कहाँ से फिर नीचे आऊँगा, फिर वहाँ से उतरूँगा। हाँ वो जगह वहाँ पे मिल गया। ये साथ बंद हुआ था, आपको खोल दिया शायद कोई, नहीं नहीं खुला हुआ है, लोगों के लिए खुला हुआ है। बाप रे बाप गैलपुर में आके खुला पूरा। पहले ना यहाँ पे बहुत सारा दुकान होता था, मतलब बहुत कुछ दुकान, फ्रूट का दुकान, चिकन का दुकान और हेलमेट का दुकान, बहुत कुछ था। उसको साफ कर दिया था क्योंकि मतलब दीवार में जो भरूच का दीवार है उसमें पेंट वगैरह कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत ये वाला जो बालू फालू का मैटर है वो तो शायद कल हो जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी मेरा डेस्टिनेशन में पहुँच ही गया हूँ। यहाँ पर गाड़ी को डिपोर्ट करके फिर जाना पड़ेगा। सो फाइनली 2 घंटे के इंतर के बाद गाड़ी पूरा बिल्कुल नहा धो के आ गया, तभी चलेंगे खाने के लिए। फाइनली अभी खाना पीना हो चुका है, अभी मैं हूँ बांसक। सो अभी बांसक से मुझे जाना पड़ेगा जहाँ पे लिखा है माई लव भद्रक, ये रहा माई लव भद्रक। Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug, this time I won't let you in. You're playing with fire, knew I didn't on the brain. But this time I won't collide, like I did yesterday. फाइनली ये है डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस है, उसके सामने है माई लव भद्रक लिखा हुआ है। सो अभी हम जा रहे हैं, सो जो डिस्ट्रिक्ट भद्रक का जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे कुछ मैं पूरा फुल वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो चलो हम यहाँ से लेते हैं। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से लेने के लिए, मैं ड्रोन को ऐसे ही रख दिया था क्योंकि ऐसे देखना है कि बहुत मतलब बेकार चीज़ होता है। तो ठीक है अभी, क्योंकि धूप इतना है कि मतलब मत पूछो। तो यहाँ से 1-2 शॉट लेके फिर हम जाएंगे बन सक में 2-3 शॉट लेके फिर चले जाएंगे घर को। अरे सर ब्लॉक आ चुका होगा, बाप रे बाप देख रहे हो। Inside you, brighter than the skies.
hold on, just let us escape and fly away tonight. खत्म करके मतलब अकेला ड्रोन फेंक लिया, मतलब इतना फट रहा था, मुझे पता है दो बार ड्रोन भी गुम हो गया। मतलब इतना धूप है कि मतलब मैं तो जो मेरा जो प्लान था कि पीओवी बनाने के लिए वो तो नहीं पॉसिबल नहीं हो पाया। जहाँ जहाँ घूमा हूँ भद्रक में वो तो मैं ड्रोन शॉट ले लिया हूँ, आपको अपडेट कर दूँगा वीडियो। सो आपको वीडियो अच्छा लगा होता तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नया प्लेस में नया जगह में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।